बॉलीवुड इंडस्ट्री सामने से जितनी चकाचौंध नजर आती हो, लेकिन उसके पीछे उतनी ही काली सच्चाइयां छिपी होती हैं। जहां बॉलीवुड के सितारे इंडस्ट्री में आकर इतनी बुलंदियों को हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उससे भी ज्यादा दर्द भरी है। जहां अगर उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को जोड़ा जाए तो उसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। जहां प्रोफेशनल लाइफ में अपनी कामयाबी से इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाले कलाकार अपनी पर्सनल लाइफ में काफी दुखों का सामना करते हैं, और ऐसी ही कहानी है अपने दौर की सुपरहिट स्टार रही विम्मी की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में अपने आखिरी दौर में किस दुख से गुजर रही थी एक्ट्रेस विम्मी, जो इंडस्ट्री से दूरी बनाने के बाद उनकी लाइफ एकदम गुमनामी में चली गई थी। और जब उनके आखिरी दौर की खबर उनके फैंस और इंडस्ट्री को पता लगी तो इससे हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ आखिरी दौर में। विम्मी उन हीरोइनों में से एक थीं जिन्होंने 60 और 70 के दशक में फिल्मी पर्दे पर राज किया था। उनकी खूबसूरती और अदाओं का हर कोई दीवाना था। अप्सराओं जैसी खूबसूरत थीं विम्मी, लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी ही दर्द भरी रही। फिल्मों में आने से पहले ही विम्मी शादीशुदा थीं, लेकिन उससे उनके फिल्मी करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली ही फिल्म हमराज से वो रातों रात स्टार बन गई थी। देखते ही देखते उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी और उनकी सभी फिल्में हिट भी रही। अब तो निर्माता और निर्देशक विम्मी को अपनी फिल्मों में लेने के लिए उनके घर के चक्कर लगाने लगे थे। पर ना जाने किस्मत क्या चाहती थी, विम्मी का करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें उनके पति ने रुकावट डालनी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक विम्मी के पति उन्हें काफी प्रताड़ित करते थे। यहाँ तक कि विम्मी को कौन सी फिल्म करनी चाहिए या कौन सी नहीं, ये सब भी उनके पति ही तय करते थे। पति की वजह से उनका स्टारडम कम होने लगा। इससे तंग आकर विम्मी अपने पति से अलग हो गईं, लेकिन पति की वजह से उनकी जो छवि धूमिल हुई उसने उनके करियर पर काफी असर डाला। फिल्म मेकर्स उनसे कतराने लगे और विम्मी को फिल्में मिलना बंद हो गईं, जिससे विम्मी के पास ना तो कोई इमोशनल सपोर्ट बचा था और ना ही प्रोफेशनल। काम ना मिलने की वजह से विम्मी आर्थिक तंगी का शिकार हो गई। लेकिन इससे भी बुरा तो तब हुआ जब विम्मी ने कई प्रोड्यूसरों से आर्थिक मदद मांगी और सभी ने इनकार कर दिया। इसके बाद तो विम्मी की माली हालत और भी बुरी हो गई। एक वक्त पर जिस हीरोइन के फिल्म में होने से ही फिल्म हिट हो जाती थी, बाद में उस हीरोइन को ही फिल्मों के लाले पड़ गए और जो बची कुची फिल्में रिलीज हुई वो भी फ्लॉप हुई। विम्मी की निजी जिंदगी भी काफी बुरे दौर से गुजर रही थी। आर्थिक तंगी के कारण विम्मी को अपना वो बंगला भी छोड़ना पड़ा जिसमें वो रह रही थी। एक वक्त पर महंगे कपड़े पहनने वाली, महंगी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली हीरोइन बाद में ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि हर कोई हैरान था। विम्मी इस कदर गुमनामी में चली गई थी कि कोई उनकी खोज खबर लेने वाला भी नहीं था। डिप्रेशन, करियर के खत्म होने और माली हालत खराब होने की वजह से विम्मी ने खुद को शराब के हवाले कर दिया था। कहा जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से विम्मी ने खुद को वैश्यवृत्ति के हवाले भी कर दिया था और इससे इनका बचा कुचा करियर भी बर्बाद हो गया था। आखिर एक दिन ये हीरोइन इस दुनिया को छोड़कर चली ही गई। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनकी शव यात्रा निकाली जा सके और उनकी लाश को एक चाय वाले ठेले पर डालकर ले जाना पड़ा था। उनकी अंतिम यात्रा में बस 4-5 लोग ही थे। जहां इस बेहतरीन अभिनेत्री को आज इस दुनिया और इस इंडस्ट्री को अलविदा कहे हुए 43 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इनकी मौत 22 अगस्त 1977 को मुंबई में हुई थी। लेकिन आज भी इनकी अदाकारी और इनके फिल्मों को लोग देखना खूब पसंद करते हैं। फिल्मों के जरिए आज भी ये हर किसी के दिल में जिंदा हैं। तो दोस्तों, अपने दौर की मशहूर एक्ट्रेस रही विम्मी की कहानी जानकर आपको कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।